कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का मामला झारखंड में सामने आया। तस्वीरों में भीड़ के बीच मटकी फोड़ होली खेलती हैं कांग्रेस की महिला विधायक अंबा प्रसाद हैं। दरअसल बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो सैकड़ों लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से होली मनाती दिख रही हैं। साथ ही टोली के बीच विधायक मटकी फोड़ होली मना रही हैं। इस दौरान तेज आवाज में डीजे भी बजाया जा रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो पर अब विपक्षी पार्टियों ने हेमंत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही महिला विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, सरकार में सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है, तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं, सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं किया जाता, तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए की रोकथाम के लिए, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है पूरे देश में, उसके रोकथाम के लिए यहाँ पर कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसे जारी किए गए थे और होली में भी सार्वजनिक रूप से इसे मनाने की मनाही थी, लेकिन यहाँ पर सरकार में रहते हुए सरकार की माननीय सदस्य जो विधायक है, महिला विधायक बड़का गांव से अंबा प्रसाद, उन्होंने इस तरीके की जो हरकत की है और कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई हैं, इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने निकल कर आया है, क्या कुछ कार्रवाई इस पर अब तक की गई है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से होली से दो दिन पहले सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई थी कि 30 अप्रैल तक कहीं भी कोई 5 लोग से अधिक भी इकट्ठा नहीं करेंगे, सार्वजनिक जगहों पर होली आप नहीं मना सकते हैं, या किसी भी फंक्शन का कोई भी त्यौहार, चाहे वो सब्बे बारात हो, होली हो, होलिका दहन हो, ये तमाम प्रकार के जो भी त्यौहार है, भारतीय त्यौहार, उसको आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकते हैं, कहीं पर सड़क व्यार भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, राज्य में भी बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है, मगर उसके बाद जिस तरह से कल कांग्रेस विधायक का अंबा है पूरे गंभीर के साथ वहां पर, तो सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता है, उनके साथ लोग होली मनाती है, मटका फोड़ती है, वहां पर डीजे लगाया गया है और सरकार द्वारा जो ये दिशा निर्देश दिया गया उसका उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि उनपे FIR करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। जी, सरकार में FIR की बात की गई है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, उन्होंने FIR की मांग की है सरकार से। लेकिन दो दिन पहले ऐसा कहा गया था कि वहां पर डीजे नहीं बजाया जाएगा, सार्वजनिक तरीके से मनाना नहीं है, होली को उचित दूरी बनाए रखना है, और जहां तक हमने सुना है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ये कहते नहीं थकते हैं और ये दावा करते हैं लगातार कि सूबे में कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और लोग इस पर कॉपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के महागठबंधन के लोग जब इस तरह की हरकत कर रहे हैं और सार्वजनिक तरीके से होली मना रहे हैं और इसका वीडियो भी अब वायरल हो गया है, तो इस पर क्या कुछ अब कहना सत्ता पक्ष का सामने वहां से निकल कर आया है? किसी ने कुछ कहने से इस पर कुछ कहा है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया और सत्ता पक्ष अभी चुनाव में व्यस्त है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बंगाल और असम में चुनावी दौरे कर रहे हैं जो भी, और मगर एक चीज तो है कि आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए यहाँ पर इस राज्य में जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आम लोग और खास लोगों के लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग दिशा निर्देश है, आम लोग सड़क पे नहीं निकलते हैं और खास लोग जैसे मन तैसे रह सकते हैं, इस वीडियो को देख करके यही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है, ये भी नहीं है कि कोई ऐसे होली मना लेता है, वो ट्वीट की है, उसको लेकर के अब राज्य में सियासत गर्म हो चुका है, पारा हर कोई अब यही कहा जा रहा है कि उनपे FIR होना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कृष्णा हमारा ये है कि विधायक वहां पर होली मना रही है सार्वजनिक तरीके से, जाहिर सी बात है प्रशासन वहां पर होगी,
प्रशासन ने इन सबको देखते हो, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, दूरी तो खैर बनाई रखी नहीं है, सबने मिलकर होली मनाई है और इस तरीके से मटकी फोड़ होली का आयोजन किया गया है, और प्रशासन वहां पर जरूर मुस्तैद होगी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है इस पर? प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, मगर इतना जरूर है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर प्रशासन, हो सकता है कहीं की एक कोई विधायक कहीं पर मूव करते हैं या कहीं भी जाते हैं, खास लोग जाते हैं तो उसके साथ प्रशासन रहती है, मगर वहां पर कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि जैसे राज्य में खास लोगों के लिए कुछ भी कानून नहीं है, कोई भी दिशा निर्देश नहीं है, प्रशासन भी इस पे कुछ खोलकर नहीं बोल रही है। अभी किसी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा बयान भी नहीं आया है कि हम उन पे क्या कार्रवाई करेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा। तो एक बार फिर से बता दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये रांची का मामला है, जहां पर महिला विधायक जो कांग्रेस की हैं, उन्होंने यहाँ पर सार्वजनिक रूप से होली मनाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मटकी फोड़ होली हुई है, जबकि सरकार की तरफ से कोरोना को देखते हुए, कोरोना के रोकथाम के लिए, उस संक्रमण में रोकथाम के लिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस थी उसे जारी किए गए थे, उचित दूरी बनाने की बात की गई थी, सार्वजनिक तरीके से होली नहीं मनाने की भी जो है जनता से अपील की गई थी, लेकिन यहाँ पर सदन के सदस्य रहते हुए जो विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने यहाँ पर सार्वजनिक तरीके से होली मनाई है। तो यहाँ पर विपक्षी पार्टी जो कि झारखंड में है भाजपा ने अब यहाँ पर FIR की मांग कर दी है सरकार से, प्रशासन से, तो अब क्या कुछ यहाँ पर सामने निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी इस पर।